अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपका फिर से मेरे इस नए व्लॉग में। दोस्तों आज मैं हूँ, मैं अपने से कस्बे में हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, और यहाँ पर मेरी कंपनी की जो गाड़ी थी वो ख़राब हो गई थी। ये जो गाड़ी है अभी इधर है, और ये अभी 3 दिन पहले जहाँ से ये बस आ रही है इस रोड पर गाड़ी खड़ी हुई थी, तो इसका फ़ैन टूट गया था जिसकी वजह से रेडिएटर ख़राब हुआ, और 2-3 पाइप थे हवा वाले पाइप, इंजन ऑयल जिसमें डलता वो पाइप ख़राब हुए, तो गाड़ी किसी तरीके से खींच के यहाँ पर ले गया है, जिसकी वजह से एक फ्रंट शीशा भी टूट गया। तो 4 दिन से कम गाड़ी ये खड़ी हुई थी। एक एक करके सामान बताया इन लोगों ने, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा था, अंदर का सामान था काफ़ी टूटा हुआ। तो चलें गाड़ी के पास आगे चलते हैं जहाँ पर ये लगा रहे हैं सामान, और आपको दिखाते हैं क्या क्या गाड़ी में नुकसान हुआ और पंखे की वजह से क्या क्या टूटा। ये हवा का पाइप भी ख़त्म हो गया, इसमें बहुत नुकसान हुआ गाड़ी में। और देखिए ये ऊपर की पूरी टंकी इसकी टूट गई थी, ये ख़राब हुई, नीचे का पूरा हिस्सा रेडिएटर का वो ख़राब हुआ, और ये फैन के पीछे लगता ही ये ख़राब हुआ। 1800 रियाल का सिर्फ ये है, और इसके अलावा इंजन ऑयल जो डलता है इस पाइप के ज़रिए, ये पाइप पूरा टूट गया, तो काफ़ी नुकसान कर दिया था फ़ैन ने। तो मैं यही कहना चाहूँगा ड्राइवरों से या मैकेनिक से कि अपना फ़ैन को ज़रा ध्यान से देखा करें, ढीला हुआ टूटा तो बहुत नुकसान कर सकता है। तो अभी ये देखें सब काम चल रहा है। रेडिएटर जो था वो कई जगह से लीक हो चुका था, तो इसे भी रिपेयर कराया, और इसमें सारा जो ओरिजिनल पानी है भी डलवा रहा हूँ मैं। और अभी पता चला ये आगे का जो इसका फ्रंट का शीशा है, गाड़ी टूल चैन करके लेके आए थे तो ये भी पूरा टूट गया, तो इसका शीशा आपको दिखाता हूँ मैं। तो इनके लिए शीशा भी लिया है, ये लो पकड़ो ज़रा, खोल को इस खोल के देखो इस। तो ये शीशा लिया है ताकि आगे चेंज हो जाए, मुश्किल ना हो आगे के लिए। 100 रियाल का ये है। ये देखें जब गाड़ी टू चैन करी थी तो इसका फाइबर भी टूट गया, आगे का फ्रंट का शीशा भी वैसे टूटा, और फैन जब ये टूटा था इस गाड़ी का तो देखें कैसे छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं। स्पीड बहुत ज़्यादा होती है फ़ैन की जब चलता है, तो उसने गाड़ी में बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया, पाइप तोड़ दिए, रेडिएटर ख़राब कर दिया। बहुत बुरी तरीके से फ़ैन टूटा था जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। कम से कम इन 4-5 दिनों में 10,000 रियाल का नुकसान हो गया इस गाड़ी के रुकने से। तो ध्यान से देखें और ध्यान से गाड़ी चलाएं। मैं इसी में लगा हुआ हूँ जब से, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी इंशाल्लाह भी स्टार्ट हुई है, तो आज जुमेरात है, कल छुट्टी है, तो शनिचर के दिन इंशाल्लाह ये गाड़ी चलना स्टार्ट होगी। और ये देखें इसके जब ब्रेक जाम हुए, गाड़ी रुकी तो क्या टायर का क्या हाल हुआ, ये देख कैसे उड़ गया है बिल्कुल ही, नीचे की साइड देख। क्योंकि जब गाड़ी ये हवा से चलती है, सारी गाड़ी जो सिस्टम है इसका हवा से है, अगर हवा आनी गाड़ी में बंद हो गई, स्टार्ट होगी गाड़ी, हवा बनाएगी, जब हवा आनी बंद हो जाएगी तो टायर अपने जो है काम करने बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो मैकेनिक आए, उन्होंने फ्री किया टायरों को, बिल्कुल फ्री कर दिया, उसके बाद गाड़ी आगे आई, तो ब्रेक नहीं आ रहे थे जिसकी वजह से लाइट टूटी। और मेरा भी पिछले 3 दिनों से लगातार रियाद का चक्कर लग रहा था, क्योंकि आसपास इधर सामान मिलता नहीं है, और रियाद है मेरे वहाँ से 200 किलोमीटर, तो मैं भी इसी में बिज़ी था, तो सोचा आपके साथ ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है इसे आपके साथ शेयर करूँ। अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और मैंने सारा सामान दे दिया है, तो जो मैकेनिक हैं और इलेक्ट्रिशियन हैं उन्होंने सारा सामान लगा दिया है, तो आज जुमेरात है, कल छुट्टी है, जुम्मा है, तो गाड़ी कहीं जाएगी नहीं, तो इसलिए अब हम थोड़ी देर चलते हैं ऑफिस में, 4 बजे वहाँ बात करते हैं थोड़ी और फिर फ्री। तो इंशाअल्लाह अगले किसी व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।